अपने पति को सेक्स में संतुष्ट कैसे करें, उसको कैसा एक्साइट करें, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केहकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कभी महिलाएं मेरे पास में अपने पति को लेकर आती है और उनका कहना ऐसा होता है कि भाई इनको इंटरेस्ट नहीं है सेक्स में, खुद होके बोलते नहीं है कि सेक्स मुझे करना है, मुझे उनको खींचना पड़ता है, ज़बरदस्ती करना पड़ता है, तब कहीं वो बोलते हैं कि ठीक है कर लेंगे या फिर कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे। तो ऐसा होता है, बहुत सारे पुरुष जो है उनको सेक्स की इच्छा बहुत कम रहती है, इंटरेस्ट नहीं आता है। उनको इरेक्शन आता है, ऐसा नहीं कि इरेक्शन नहीं आता है, मगर उनको इच्छा ही नहीं। हो सकता है कि ये बचपन में कुछ हादसे हुए हैं उसके वजह से हुआ है, बचपन में कुछ लैंगिक अत्याचार हुआ है, उनको अब्यूज़ किया हुआ है उसके वजह से है, या पता नहीं कि सेक्स बुरा है, सेक्स के बारे में बोलना नहीं चाहिए, संस्कार हुए हैं, मगर उनको कम है। तभी इसमें क्या होता है कि ये लोगों में स्पेशली और बाकी पुरुष में भी एक स्त्री की ऐसी जिम्मेवारी होती है कि बेड में अपने पति को खुश करना है, उसको एक्साइट करना है, उसकी इच्छा जागृत करना है। तो ये कैसे करें, आपको ये देखना है कि आप बेड पर एकदम सच धस के जाने का है, जैसे कोई शादी में जा रहे, बिल्कुल सच धस के जाने का है, मेकअप करके जाने का है, ऐसा अट्रैक्टिव करके जाने का है, ताकि दोनों में भी है, ताकि एक दूसरे को एक्साइटमेंट दिखे, अच्छा दिखे। तो एकदम प्रेजेंटेबल पोजीशन में जाना चाहिए, अच्छी पोजीशन में, अच्छे ड्रेसअप में जाना चाहिए। फिर सेक्स में ये बातें आपको जानना जरूरी है कि फोर प्ले, इंटरकोर्स और आफ्टर प्ले, ये तीन बातें हैं। फोर प्ले कम से कम 5 से 15 मिनट चलना चाहिए। अब फोर प्ले में एक स्त्री ने अपने पुरुष को, पति को एक्साइट करना जिम्मेवारी स्त्री की है। एक्साइट करना, अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, रोमांटिक बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को चिढ़ा सकते हैं, हाथ घुमा सकते हैं। क्या होता है कि उसको पूछना है, कम्युनिकेट करना है कि भाई आपको कौन से जगह पे हाथ लगाए तो एक्साइटमेंट आती है, अलग अलग जगह टच करके देखना है, टेस्ट करना है। हो सकता है कुछ पुरुषों को कंधे है, फिर निपल्स है, पेट है, बटक्स है, पैर है, कान है, बालों में हाथ घुमाना, पीठ के ऊपर नखून से खरोचना, मतलब ऐसी कुछ बातें रहती है कि उनको अच्छी लगती है, उनको मज़ा भी आता है और उनको एक्साइटमेंट आता है। तो वो करना जरूरी है एक स्त्री ने पुरुष के लिए। बहुत बार पुरुषों को किस करना, गाल का, मुंह का किस करना, उसमें बहुत मज़ा आता है, सक करना, किसिंग करना, मुंह को सक करना, तो ये बहुत एक्साइटमेंट देने वाली चीज़ एक पुरुष को लगती है और वो स्त्री ने करना चाहिए। लुब्रिकेंट डेली वापरते हैं तो लुब्रिकेंट्स लेके उसका मालिश करना, लिंग का मालिश कर सकते हैं, लिंग को एक्साइट कर सकते हैं, लिंग को उत्तेजित कर सकते हैं, मुंह से लिंग को किस कर सकते हैं, मुंह से इंटरकोर्स मतलब मुंह से उसको ओरल सेक्स कर सकते हैं जिसमें उसको एक्साइटमेंट आएगा। ऐसी बहुत सारी बातें आप उसके लिए कर सकते हैं। एक पुरुष जो है वो, उसको ये भी मज़ा आता है कि वो ब्रेस्ट को प्रेस कर सके, ब्रेस्ट को सक करे, तो उसको उसमें मज़ा आता है। मतलब आपने, एक स्त्री ने ऐसी ऐसी बातें करना जरूरी है कि जहाँ जहाँ जो जो बातें वो या वो एक्टिविटी वो कर दिए तो पुरुष को एक्साइटमेंट आ जाएगी। मतलब क्या है कि इसमें फिर पुरुष की इच्छा भी नहीं होगी, तभी एक्टिविटी करती है, बातचीत करती है, सब एक्साइटमेंट करती है, उसको अच्छी इच्छा हो जाएंगी और एक अच्छा इंटरकोर्स होना संभव है। हो सकता है कि शुरू में इरेक्शन नहीं है तो प्रेशर मत डालो। क्या होता है कि स्त्री पुरुष के ऊपर प्रेशर डालती है, करो आज करना ही है, तुम्हें 8 दिन से किया नहीं है। अरे भाई उसको इच्छा नहीं होती, उसको इरेक्शन आता है मगर इच्छा नहीं है, तो फिर आपने प्रेशर डाल दिया तो इरेक्शन और ख़त्म हो जाएगा। तो आप साथ में सोते हैं, बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे को टच करते हैं और एक दूसरे को टच करके समझ लेते हैं, बॉडी पार्ट्स को समझ लेते हैं, एक्साइट करते हैं, तो फिर धीरे धीरे उसकी इच्छा हो जाएंगी और वो सेक्स करेगा। तो इस तरह से करना जरूरी है। और इंटरकोर्स होने के बाद में, मतलब इजैकुलेशन होने के बाद में आफ्टर प्ले करना जरूरी है। आफ्टर प्ले भी बहुत अच्छा रहता है, जिससे दोनों को कामपूर्ति का अत्युच्च आनंद जो है वो बाद में मिलता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है।
वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।